हेलो एवरीवन अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्लास टेंथ द क्वेश्चन रिलेटेड टू एम्बैंकमेंट सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट एक्चुअली इज एम्बैंकमेंट होता क्या है एम्बैंकमेंट सो फॉर दैट लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन अ सर्कुलर टैंक ऑफ डाया मीटर टू मीटर इज डग ड मतलब खोदना एंड the earth removed is spread uniformly all around the tank to form an embankment 2 meter in width and 1.6 meter in height question ka matlab hai this is the level of the earth earth surface earth ko khod kar ek cylindrical tank banaya of given radius and height they have not mentioned the depth actually and यहाँ से जो सॉइल अर्थ के अंदर सॉइल होगी यहाँ से जो सॉइल रिमूव हुई उस सॉयल को यूज़ करके एम्बैंकमेंट एक तरह का कुआं उसकी आउटलाइन होती है अगर ये कुआं है कुएं के टॉप पर आपने देखा होगा सीमेंटेड आउटलाइनिंग होती है उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट सो यहाँ से सॉयल निकाला और उससे ये कंस्ट्रक्ट किया एम्बैंकमेंट जिसकी हाइट वन पॉइंट सिक्स मीटर्स है एंड ऑफ द एम्बैंकमेंट इज टू मीटर्स ओके सो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द टैंक विच हैज़ बीन डग सो विच मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल थ्रू आउट So, ultimately, if we talk about it mathematically, it means volume of cylinder. This is maths now, so that we can apply formulas and find out. Volume of cylinder, that means, yaha se jo soil remove kiya, uski capacity is volume of cylinder, the shape. And volume of embankment will be same. Volume of embankment. द वॉल्यूम आर गोइंग टू बी सेम क्योंकि एक को खोद कर दूसरे का कंस्ट्रक्शन हुआ है सो द सॉयल यूज इन बोथ द केसेज आर सेम नाउ हाउ टू फाइंड आउट एम्बैंकमेंट इज एक्चुअली अ शेप ऑफ हॉलो सिलेंडर सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल माई टार्गेट इज वी विल फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच हैज़ बीन डग इन साइड द अर्थ

Into h is not given, the depth we need to find. So, we have here is pi into h. Now, coming to the hollow cylinder, for hollow cylinder volume, the volume is going to be external volume minus internal volume. For that, external volume is pi capital R square into h, the height of embankment. लेट इस कॉल इट कैपिटल एच बिकॉज द सिम्बल्स विल बी री यूज इन दैट केस एंड दिस इज पाए स्मॉल आर स्क्वाच लेट्स टेक पाए कॉमन हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट रिमेन सेम वर इट इज इन साइड और आउटसाइड इंटरनल और एक्सटर्नल नाउ इंटरनल रेडियस विल भी सेम एज दिस सो आपका स्मॉल आर की वैल्यू होगी वन मीटर्स and capital r this one 1 plus the width 2 so 3 meters is capital r so r square minus r square we will solve pi i will not touch in fact 1.6 is the height of embankment r square is 9 minus 18 so pi into 1.6 into 8 which is equal to 12.8 pi. Cent uh, meter square is the unit, meter cube. This is volume. Here also meter cube. Now, what we did in the beginning, volume of cylinder is equal to volume of embankment. So, both the volumes we have now, let us equate them. Volume of cylinder is pi h equal to volume of cylinder embankment is pi ट्वेल्व पॉइंट एट पाए पाए और पाए यहाँ से कैंसिल हो गया इसीलिए मैंने ऊपर सॉल्व नहीं किया था नाउ द हाइट और डेप्थ ऑफ द सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक इज ट्वेल्व पॉइंट एट मीटर्स विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन